गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू और आप सब देख रहे हैं एक्सपोर्ट इंग्लिश। और आज के सेशन में आप सब का स्वागत है। और इस सेशन में मैं काम करने वाला हूं ट्वेल्थ के बुक पर, यानी बुक मैं पढ़ाने वाला हूं। बुक के चैप्टर को मैं रीडिंग दूंगा और उसका मीनिंग भी बतलाऊंगा। तो ये जो चैप्टर है ये प्रोज सेक्टर से है और फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आज का जो सेशन है वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर सेकेंड सेशन के रूप में है, यानी फर्स्ट सेशन को मैंने अपलोड पहले ही कर दिया है। अगर आपने अब तक उस फर्स्ट सेशन को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उस फर्स्ट सेशन को देखिए, जिस सेशन में मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को समझाया है आपको और साथ साथ ऑथर के बारे में भी बतलाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके ऑथर महात्मा गांधी है। आप आज जो है बुक को पढ़ेंगे और बुक पढ़ने के साथ साथ उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे। एवरी लाइन विल एक्सप्लेन। एक चीज और, अगर आप मेरे साथ इस सेशन में बने हुए हैं और बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वह यह कि आप बुक लेकर के मेरे साथ बैठिए, क्योंकि जो भी लाइंस मैं आपको यहाँ पढ़ूंगा आपके सामने वो लाइंस होंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। बिना बुक का बैठिएगा तो शायद आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा यह है चैप्टर। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। अब इस लाइन की हिंदी को मैं बतलाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आई जो है वो महात्मा गांधी के लिए यूज किया गया, जो कि ऑथर है महात्मा गांधी ने ही इस एस्से को लिखा है। आई बिलीव दैट इसका मतलब होता है कि मुझे यकीन है, मैं विश्वास रखता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे संसार में परास्त नहीं किया जा सकता है। दुनिया की कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जो भारत की सभ्यता को हरा सकता है, इसको परास्त कर सकता है। यानी कि गांधी जी के अनुसार भारत की जो सभ्यता है वो दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता है। इस लाइन का यही मतलब होता है। आई बिलीव दैट, मैं यकीन करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन सभ्यता इंडिया हैज इवॉल्व, जिसको भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसको संसार में हराया नहीं जा सकता, उसको परास्त नहीं किया जा सकता है। दुनिया की कोई भी सभ्यता जो है भारत की सभ्यता से बढ़कर नहीं है, इससे बेहतर नहीं है। मतलब इस लाइन का यही मतलब है कि गांधी जी इस चैप्टर के फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि भारत की सभ्यता जो है वो दुनिया की सबसे बेहतर सभ्यता है। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गया, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। फिर से देखिए, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। भाई इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि जो बीज हमारे पूर्वजों ने, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोए थे। भाई किस चीज का बीज? तो सभ्यता की बात हो रही, तो सभ्यता की बीज, जिस सभ्यता की शुरुआत हमारे पूर्वजों ने किया, जो सभ्यता, जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय सभ्यता की बीज, हमारी सभ्यता की बीज जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया, नथिंग कैन इक्वल, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जो हमारे पूर्वजों ने हमारी सभ्यता की नींव डाल दी, जो हमारे पूर्वजों ने हमारी सभ्यता की जो शुरुआत की, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई सभ्यता नहीं है जो भारत की सभ्यता की बराबरी कर सकता है। रोम बेंट, रोम समाप्त हो गया। आपने रोम की सभ्यता के बारे में सुना होगा, रोम के साम्राज्य के बारे में सुना होगा। एक समय था जब रोम की एक अपनी सभ्यता थी, काफी प्रसिद्ध सभ्यता थी। तो गांधी जी यहां पर कहते हैं कि रोम बेंट यानी रोम समाप्त हो गया, ग्रीस शेयर द सेम फेट, यूनान का भी वही दशा हुआ। मतलब यूनान भी बचा नहीं, वो भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। द माइट ऑफ द फैरोज वॉज ब्रोकन। और फैरोज के बारे में आप जानते हैं, फैरो के बारे में जानते हैं, मिस्र बोला जाता है, मिस्र की जो शक्ति थी वो चकनाचूर हो गई। मतलब आज आप नजर उठा करके देख लो, हम भारत की सभ्यता की बात करते हैं तो भारत की सभ्यता को हम देख रहे हैं, आप नजर उठा करके देख लो। एक जमाने में रोम की सभ्यता थी जो काफी प्रसिद्ध थी, यूनान के बारे में भी हमने सुना और हम लोग मिस्र के बारे में भी सुनते थे। तो गांधी जी का कहना है कि रोम बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया, यूनान का भी वही दशा हुआ और मिस्र की जो शक्ति थी वो क्या हो गया? चकनाचूर हो गया। आज ये सब चीज आपको कहीं दिखलाई नहीं देंगे, लेकिन जब बात हम भारत की सभ्यता की करते हैं, फिर से विश्वास से गांधी जी कहते हैं, मुझे विश्वास है
कि भारत की जो सभ्यता है, भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, दुनिया में इस सभ्यता को किसी के द्वारा और किसी भी हालत में हराया नहीं जा सकता है। वो जोर देकर के इस बात को कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिस सभ्यता के बीज को बोया, वो किसी भी सभ्यता के द्वारा बराबरी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रोम समाप्त हो गया, यूनान का भी वही हाल हुआ जो रोम का हाल हुआ, और तथा आप देख सकते हैं मिस्र की जो शक्ति थी वो चकनाचूर हो गई। जब जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, मतलब जापान के बारे में कहा जाता है कि जापान जो था वो पश्चिमी सभ्यता का होकर के रह गया, यानी जापान ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, लेकिन चीन के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली चीन की सभ्यता की जब बात करेंगे तो हमेशा इस पर से एक संशय बना हुआ है, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सभ्यता कहाँ से आई, किस प्रकार की सभ्यता है, किसको इसने कॉपी किया, क्योंकि चीन हमेशा से अपने आप को सेपरेट करके रखा है। तो चीन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जापान के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि जापान ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। एज फार एज चाइना इज कंसर्न, हम लोग चाइना के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, बट इंडिया इज स्टील समहाउ और अदर स्टैंड एट द फाउंडेशन। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, जब हम भारत की चर्चा करते हैं, तो भारत ने अब तक किसी प्रकार से अपने नींव को अडिग रखा है। भारत जो है, जो उसका फाउंडेशन है, जो भारत की सभ्यता है, उसका जो बीज बोया गया हमारे पूर्वजों के द्वारा, भारत जो है आज भी उसी फाउंडेशन पर टिका हुआ है, अपने नींव पर टिका हुआ है और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्नड देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोपियन जो थे, यूरोप के लोग थे, लर्नड, उन्हें सीखा, वो सीखते हैं देयर लेसन्स, अपने पाठों को, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ द ग्रीस और रोम। ग्रीक तथा रोम के लोग जो लिखा करते थे, उनका जो लेख था, उससे यूरोप के लोग सीखते और सीखने की कोशिश करते हैं। बीच एग्जिस्टेड नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो रोम खुद भी, जो उनका पूर्व का ग्लोरी था, जो उनका शानो शौकत था, उसको एग्जिस्ट नहीं कर सका। वहाँ के लोगों से यूरोप के लोग सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखने के क्रम में द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम सच इन देयर पिटिएबल कंडीशन। और यूरोपियन जो है इस बात की कल्पना करते हैं कि वो लोग उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो यूनान के लोगों के द्वारा, रोम के दोनों लोगों के द्वारा किया गया था, उसमें से अच्छी चीज़ों को अपना लेंगे। आज उन यूरोपियंस की बात करेंगे तो उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। फिर से मैं इस पैराग्राफ को एक बार डील कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये फर्स्ट है, आप जान रहे हैं, मुझे विश्वास है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, संसार में उसे किसी के द्वारा हराया नहीं जा सकता है। हमारी सभ्यता का बीज जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। रोम समाप्त हो गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, और मिस्र की जो शक्ति थी वो चकनाचूर हो गई। जापान जो है वो वेस्टर्न कंट्री का होकर के रह गया, जापान ने वेस्टर्न सभ्यता को अपना लिया। चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब जब बात भारत की आती है तो किसी भी प्रकार से भारत आज भी उसी नींव पर खड़ा है जो हमारे पूर्वजों ने बोया था। यूरोप के लोग जो हैं वो रोम तथा यूनान के लोग के द्वारा जो लिखे गए लेखनी है, लेख है, उससे सीखने की कोशिश करते हैं, जिनका खुद का जो शानो शौकत है आज कहीं भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो यूरोप के लोग इस सीखने के चक्कर में वो ऐसा कल्पना जरूर करते हैं कि ग्रीस और रोम के लोगों ने जो गलतियां की थी, उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे, उन सभ्यताओं से, उन लेखों से सिर्फ अच्छे चीज़ों को अपना लेंगे। उनकी भी स्थिति आज क्या है, दयनीय। ये चैप्टर, ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल इन सब दिस, इन सभी के बीच, इंडिया रिमेंस इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सभी के बीच भारत आज भी अडिग है, आज भी भारत उसी अवस्था में खड़ा है, आज भी भारत उसी फाउंडेशन पे खड़ा है, और यही भारत की सभ्यता की शान है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध एक आरोप भी है, यह बात जो है भारत पर आरोप भी लगा है, दैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। भारत के लोगों के बारे में कहा गया कि उनके लोग जो हैं वह असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अज्ञानी हैं,
एंड स्टॉलिड और मूर्ख हैं जो नए चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात क्या है, इन सभी के बीच भारत जो है आज भी उसी फाउंडेशन पर अडिग होकर के खड़ा है जो भारत की सभ्यता की शान है, लेकिन भारत के खिलाफ एक चार्ज है, इस पर आरोप है कि भारत के लोग असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, मतलब इसलिए उनको कहा गया है, असभ्य कहा गया है, अज्ञानी कहा गया है और मूर्ख कहा गया है। ऐसा दूसरे लोगों का मानना है कि उनको किसी प्रकार से प्रेरित नहीं किया जा सकता, किनको, भारत के लोगों को किसी भी प्रकार से प्रेरित नहीं किया जा सकता है नए चेंजेज को अपनाने के लिए। ये भारत के खिलाफ चार्ज है, इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। गांधी जी कहते हैं कि ये जो आरोप हम पर लगा है ना, ये हमारे मेरिट, हमारी जो क्वालिटी है, हमारे जो गुण है उसके खिलाफ है। वॉट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंसेस, गांधी जी ने कहा है कि हमने अपने अनुभवों के पटल पर, अपने अनुभवों के पटल पर रखा है और सारी चीज को परखा है जो चार्ज हमारे ऊपर लगाया गया। देखिए यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर क्या कहना चाहता है, भारत जो है आज भी उसी फाउंडेशन पे खड़ा है, अडिग है और यही भारत की सभ्यता की सबसे बड़ी ग्लोरी है, शान है, लेकिन भारत के खिलाफ इस बात के लिए आरोप लगते रहे, भारत के लोगों के बारे में कहा जाता है, मतलब दूसरे के द्वारा, कि असभ्य है, अज्ञानी है तथा मूर्ख है, मतलब उनके पास उतनी क्षमता नहीं है कि किसी भी चेंज को अडॉप्ट कर सके। इस बात पर गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का कहना है कि हमने जो है, अगर ये चार्ज हमारे ऊपर जो लगा है, ये चार्ज जो हमारे गुणों के खिलाफ, हमारा जो मेरिट है, हमारी जो क्वालिटी है उसके खिलाफ ये चार्ज है, और हमने अपने अनुभव के पटल पर इस बात को रख करके जाँच किया है, और क्या जाँच किया है, तो देखिए वी डेयर नॉट चेंज, कि हम इसे बदलने का साहस नहीं रखते हैं। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग, अनेक लोग जो है अपने विचारों को भारत के ऊपर थोपते हैं, एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन भारत इन सभी के बीच में अभी भी उसी प्रकार अपनी चीजों पर अडिग है। दिस इज हर ब्यूटी, और यही हमारी सभ्यता की सुंदरता है। इट इज अ सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी, जब उम्मीद की बात करें तो हमारी, हमारी जो उम्मीद है, हमारी जो आशा है, उसका सबसे मजबूत पक्ष है। चूंकि इस पर अगर आपको अच्छे से समझिए, एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए गांधी जी का कहना है कि भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता है, इसमें कोई शक नहीं। अब गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता इसलिए अच्छी सभ्यता है कि आज तक हमने इस सभ्यता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, भारत आज भी उसी सभ्यता पर अडिग है और यही हमारी सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो आरोप लगाते हैं भारत पर और भारतीयों पर, उनका कहना है कि भारतीय जो हैं वो क्या है, असभ्य हैं, वो अज्ञानी हैं और उनके पास उतना माइंड नहीं कि नए चीजों को अडॉप्ट कर सके, मतलब नए परिवर्तन को अडॉप्ट कर सके। इसका विरोध करते हुए गांधी जी कहते हैं कि मैंने अनुभवों के पटल पर इन चीजों को रख करके तौला है और देखा है, तो मुझे पता चलता है कि हमारी सभ्यता इतनी अच्छी है कि हमने कभी हिम्मत ही नहीं किया है कि इसको चेंज करें, और यही तो हमारी सभ्यता की सबसे सुंदरता है कि हम उसी सभ्यता को आज भी आगे बढ़ाते आ रहे हैं। तो ये सेकेंड पैराग्राफ था, थर्ड पैराग्राफ पर चलिए, थर्ड पैराग्राफ को देखिए। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह ढंग है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को उसके कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अग्रसित करता है, मनुष्य को उसके कर्तव्य पथ पर चलने के लिए आगे बढ़ाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स, कर्तव्य का पालन करना तथा नैतिकता पूर्वक आचरण जो है ये परिवर्तनशील पद है, मतलब ये परिवर्तन, इनका परिवर्तन हो सकता है। सिविलाइजेशन इज दो दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह ढंग है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को उसके कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अग्रसर करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स, जो हमारे कर्तव्य का पालन है या फिर जो हमारा नैतिकता पूर्वक आचरण है, ये सब बदल जाने वाले टर्म है, इन शब्दों में बदलाव आ सकता है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का नैतिकता को ऑब्जर्व करना, इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स, हमारे दिमाग के ऊपर महारत हासिल करने जैसा है, दिमाग पर स्वामित्व हासिल करने जैसा है। एंड आवर पैशंस, तथा हमारे शौकों पर, सो डूइंग बी नो आवर सेल्फ्स, और ऐसा करके हम अपने आप को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस गुड कंडक्ट, और गांधी जी कहते हैं कि गुजराती के शब्दों में अगर गुजराती की बात करें तो उनके अनुसार सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण। इस पर अगर आपको एक बार समझ लीजिए, गांधी जी कहते हैं कि सभ्यता आचरण का वह ढंग है जो हमें हमारे कर्तव्य पथ पर आगे चलने के लिए प्रेरित करता है, कर्तव्य का पालन करना तथा नैतिकतापूर्व आचरण जो है वो परिवर्तित हो सकता है, वो परिवर्तनीय है। नैतिकता
का आचरण करना या अपने मन का जो हमारा विचार है उस पर स्वामित्व प्राप्त करना, अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा करने से हमें हमारे बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है और हम अपने आप को जान सकते हैं। गांधी जी के अनुसार अगर गुजराती की बात करें तो गुजराती के अनुसार सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण। नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सत्य है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तब भारत जैसा कि अनेक लेखकों ने बताया है, दिखलाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, कि भारतीयों को भारत को किसी दूसरे से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और भारत को वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि है। फिर से देखिए इस पैराग्राफ को, इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, जो हमने पूर्व में अभी थोड़ा देर पहले जिस डिफिनेशन की बात की है, अब गांधी जी कहते हैं कि अगर ये डिफिनेशन सत्य है, देन तब इंडिया एज मेनी राइटर्स हैव शोन, भारत को जैसे कि दूसरे लेखकों ने दिखलाया है, बतलाया है, हैज नथिंग टू लर्न, इसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी और दूसरे से, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और भारत को, भारत की सभ्यता को वैसे ही रहना चाहिए जैसा कि ये है। आगे चलिए, वी नोटिस दैट, हम देखते हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड जो है हमारा, दिमाग जो है एक अशांत पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक इसको मिलता है उतना अधिक ही ये चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। वी नोटिस दैट, हम लोग देखते हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है एक रेस्टलेस बर्ड है, मतलब अशांत पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक इसको मिलता है उतना अधिक यह चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, हम जितने अपने पैशनों में, हम अपने शौक में जितना हम घुस जाते हैं, उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही वो बेकाबू हो जाता है, उतना ही ज़्यादा वो हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाता है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने देयरफॉर अतः सेट लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारी जो विलासता है, हमारी जो संलिप्तता है किसी भी चीज़ों में, उसकी एक सीमा तय कर दी। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली मेंटल कंडीशन, चूंकि हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है, एक मानसिक अवस्था होता है। फिर से इसको देख लीजिए, हम लोग देखते हैं कि दिमाग एक अशांत पक्षी है, जितना अधिक इसको मिलता है उतना ही अधिक ये चाहता है, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। जितना हम ज़्यादा अपने पैशंस, अपने शौकों में शामिल होते हैं, उतना ही ये उलझ जाता है। हमारे पूर्वजों ने हमारी जो संलिप्तता थी किसी भी चीज़ों में, उसकी एक सीमा तय कर दी, चूंकि उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस जो था एक मेंटल कंडीशन था। नेक्स्ट पैराग्राफ, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, ये जरूरी नहीं है कि कोई आदमी खुश है क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और ये भी जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति नाखुश है क्योंकि वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अक्सर गरीबों को देखा जाता है कि गरीब जो है अक्सर नाखुश रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और ऐसा भी देखा जाता है कि गरीब लोग खुश रहते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग जो है हमेशा गरीब रहेंगे, करोड़ों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग दीज आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड, इन सभी चीज़ों को देख करके हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया, अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, भोग विलास की वस्तु और आरामप्रद वस्तुओं से के पास जाने से, उससे ज़्यादा नज़दीकी बनाने से हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर टुडे एगो, विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, आज भी हम उसी प्रकार के हल का यूज करते हैं, फिर हल चलाते हैं, एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ago, जैसा कि हजारों साल पहले हमारे पास हल होता था, आज भी हम वैसे ही हल को चलाते हैं। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, आज भी हमारे पास वैसे ही झोपड़ियाँ हैं, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जैसा कि हमारे पास पहले समय में था। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और आज भी हमारा जो हमारे द्वारा डेवलप किया गया, हमारे द्वारा विकसित किया गया जो स्वदेशी शिक्षा है, आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, और हमारे पास जो है कोई भी जीवन को हानि पहुंचाने वाला, कोई भी प्रतियोगिता करने वाला वैसा कोई प्रणाली नहीं है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, आज हमारे पास कोई भी वैसा कंपटीशन नहीं है जो कि हमारे जीवन को क्षति पहुंचा सकता है।
ईच फॉलोड हिज ओन प्रोफेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर बेस। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना नियत काम धंधा करता है और उस काम धंधे के लिए वो अपनी मेहनताना को पाता है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं जानते थे कि हम मशीन को विकसित नहीं कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, हम भी मशीन को विकसित कर सकते थे। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ वी हैड सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम लोगों ने अपने मन को वैसे चीज़ों के पीछे भगाया, अगर सेट कर दिया, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स, तो हम लोग जो है वो गुलाम बन जाएंगे और हमारी जो नैतिक प्रकृति है जिस बात के लिए हम जाने जाते हैं उसी को हम खो देंगे। दे वे लोग देयर फोर आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, अतः उन्होंने कुछ विचार करके, कुछ सोच विचार करके डिसाइडेड, निर्णय किया दैट कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। कुछ सोच विचार करने के बाद हमारे पूर्वजों ने इस बात का निर्णय किया कि हम लोग वही काम करेंगे जो अपने हाथ और पैरों से कर पाएंगे। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। उन लोगों ने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी जो थी, हमारी जो असली खुशी थी, वो हाथ पाँव के उचित उपयोग में ही निहित थी, उसी में ही शामिल थी। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। कोई मनुष्य इसलिए खुश नहीं हो सकता है कि वो धनी है, और कोई मनुष्य इसलिए दुखी नहीं हो सकता है कि गरीब है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि धनी लोग जो है सो नाखुश होते हैं, दूसरी तरफ गरीब लोग खुश होते हैं। लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया, हमें रोका लग्जरीज और प्लीजर्स के पास जाने से। हम आज भी उसी प्रकार के हल का यूज करते हैं जैसा कि हजारों साल पहले यूज होता था, और हमारे पास उस प्रकार के कॉटेज झोपड़ियाँ आज भी है जैसा कि हजारों साल पहले हुआ करता था। हमारा जो स्वदेशी शिक्षा पद्धति है आज भी है जैसा कि पहले हुआ करता था। हमारे पास कोई भी वैसा सिस्टम नहीं है, कोई भी वैसा प्रणाली नहीं है जो हमें कंपटीशन देता हो, हमारे जीवन को हानि पहुंचा रहा हो। हम लोगों ने प्रत्येक, हम में से प्रत्येक ने अपने पेशा को, अपने व्यापार को किया, अपने काम को किया एक नियत तरीका से, और उसका एक नियत मेहनताना पाया। ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं जानते थे कि मशीनों का आविष्कार कैसे होता है, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम लोगों ने इसके पीछे अपने दिल को लगाया, अपने माइंड को सेट किया, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे और हमारी जो असली मोरल फाइबर है, जो हमारी असली नैतिकता है, हमारी जो असली नैतिक प्रकृति है, हम उसको खो देंगे। अतः कुछ विचार करके उन लोगों ने इस बात का निर्णय किया कि हम लोगों को वैसे ही काम करने चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर पाएंगे। उन लोगों ने देखा था कि वास्तविक खुशी जो थी और स्वास्थ्य जो थी वो हमारे हाथ और पैर के उचित प्रयोग में ही निहित थी, इसलिए उन्होंने हमें हाथ और पैर से काम करने का सलाह दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। दे फर्दर रीजंस दैट लार्ज सिटीज वेयर स्नेयर। आगे उन्होंने तर्क दिया कि बड़े शहर जो थे वो एक फंदे हैं, एक जाल थे, ये यूजलेस इनकम ब्रांच, निरर्थक बाधाएं, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। और शहरों में जो है वो लोग खुश नहीं हो सकते थे। हमारे पूर्वजों का मानना था कि जो बड़े शहर थे एक फंदा था, एक जाल था, तथा सिर्फ वहां बिना मतलब का निरर्थक बाधाएं थी जहां पर लोग खुश नहीं हो सकते थे। दैट देयर फोर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स एंड रॉबर्स। और उन्होंने बताया कि वहां पर हमेशा चोरों और डाकियों का गैंग रहता है। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिसिंग। और चोर डाकू ही नहीं, वहां वैश्याएं होंगे और पाप फैलाने वाले लोग होंगे। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन। और वहां पर गरीबों को अमीरों के द्वारा लूट लिया जाएगा। दे वेर देयर फोर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस। इसलिए हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे गाँव से ही संतुष्ट थे। एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं। उन्होंने आगे बतलाया कि बड़े शहर, बड़े नगर जो थे वो कुछ और नहीं, जाल है तथा निरर्थक बाधाएं हैं, जहां पर लोग सुखी नहीं रह सकते हैं। वहां चोरों डाकुओं के गिरोह होंगे, वहां वेश्याएं होंगी और पाप फैलाने वाले लोग होंगे, जो जहां पर निर्धन लोगों को धनी लोगों के द्वारा लूटा जाएगा। इस कारण हमारे पूर्वज जो थे गांव में खुश थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इनफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। उन्होंने देखा कि राजा तथा उनकी तलवारें नैतिकता के तलवार के सामने छोटी थी। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इनफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। तथा इसी कारण से वो जो भी सम्राट या राजा हुआ करते थे ऋषियों तथा फकीरों से तुच्छ समझते थे, तथा यही कारण था जो हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े बड़े जो राजाएं हुआ करते थे और बड़े बड़े जो सम्राट हुआ करते थे
उनको ऋषियों मुनियों के तुलना में छोटा समझते थे और तुच्छ समझते थे। कौन? हमारे पूर्वज। फिर से देखिए, दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर सोर्ड्स वर इनफीरियर टू द सोर्ड्स ऑफ एथिक्स। वो समझते थे, वो जानते थे, उन्होंने देखा कि जो राजाओं की तलवारें थी वो छोटी पड़ जाती थी नैतिकता की तलवारों के सामने। उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उन्होंने ऐसा माना, अनुभव किया, वो ऋषि मुनियों के सामने तुच्छ होते थे, ऐसा हमारे पूर्वजों का मानना था। ए नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू ईच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। इस तरह की व्यवस्था वाला जो हमारा देश है वो दूसरे के सीखने के बजाय, मतलब इस तरह की व्यवस्था जो हमारे देश में है, जहां पर ऋषि मुनियों को ज्यादा समझा, अच्छा समझा जाता है, मजबूत समझा जाता है राजाओं और महाराजाओं की तुलना में, इस राष्ट्र, ऐसे संविधान और ऐसे सोच वाले राष्ट्र को किसी से दूसरे से सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत एक ऐसा देश है जो दूसरे को सिखाने में समर्थ है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स। इस राष्ट्र में, इस देश में अदालतें, वकील तथा डॉक्टर थे, लेकिन वो सब एक सीमाओं में बंधे हुए थे, उनकी एक लिमिट थी, उनकी एक सीमाएं थी। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वेयर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। और सब कोई को इस बात की अच्छे से जानकारी थी कि ये व्यवसाय जो था, वो जो थे, प्रोफेशन जो थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लोग इस पेशा को अच्छा नहीं मानते थे। मोड़ी भर दो जो वकील्स एंड बैथ डिड नॉट रोप पीपल, और किसी प्रकार से वो जो वैद होते थे और वो जो वकील होते थे वो लोगों को नहीं लूटते थे ज़्यादा। दे वर कंसिडर पीपुल्स डिपेंडेंट्स, उन लोगों को, लोगों का सेवक माना जाता था, लोगों पर आश्रित माना जाता था, नॉट देयर मास्टर्स, वो अपने आप को मालिक नहीं समझते थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और जब आप न्याय की करेंगे, जस्टिस की करेंगे, तो उस समय जस्टिस निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, सामान्य रूल लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता था, लोग कोर्ट जाना पसंद नहीं करते थे। देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इन टू देम, और उन समय में वैसे लोग भी नहीं थे, वैसे दलाल भी नहीं थे कि लोगों को उसमें फंसाने का काम करते थे। दिस इविल टू वॉज नोटिसबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। ऐसी बातें जो थी, ये बुराइयां जो थी, सिर्फ नगरों में देखा जा सकता था और महानगरों में देखा जा सकता था, उसी के आसपास देखा जा सकता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। सामान्य लोग जो थे, जनसाधारण जो थी, वो कॉमन पीपल, सामान्य लोग जो थे, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, स्वाधीनता से रहते थे, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपने कृषि के पेशा को ही फॉलो करते थे, अपनाते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वो जो स्वदेशी रूल थे, उनका स्वराज का रूल था, उसी को से शासित होते थे और उसी रूल में वो आनंदित रहते थे। एक पैराग्राफ तक मैंने डील किया है, ट्रांसलेट किया, एक बार मैं इसको मोटा मोटी तौर पर एक पैराग्राफ तक क्या है उसको मैं बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मुझे विश्वास है कि भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, दुनिया की कोई सभ्यता इसको हरा नहीं सकती। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है, उस बीज की कोई भी बराबरी नहीं कर सकती है। रोम समाप्त हो गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, और मिस्र की जो शक्ति थी वो चकनाचूर हो गई। जापान ने पश्चिम सभ्यता अपना लिया, और चीन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत किसी भी तरह आज भी उसी नींव पर खड़ा है। यूरोप के लोग जो अपने पाठों को रोम के लोगों तथा ग्रीस के लोगों के द्वारा लिखे गए बुकों से, ग्रंथों से, लिखावटों से सीखने की कोशिश करते हैं, जिनका खुद ज़्यादा लंबा समय तक अपना ग्लोरी नहीं रहा, वो इस बात की कोशिश करते हैं कि उनके सीखने के क्रम में रोम और ग्रीस के लोगों के द्वारा जो गलतियां की गई थी, उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, सिर्फ अच्छी चीज़ों को निकालेंगे, उस मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। उन यूरोप के लोगों की स्थिति आज बड़ी दयनीय है। इन सभी के बीच जब भारत की बात करते, तो भारत आज भी अडिग है अपने उसी साउंड फाउंडेशन पर, ये भारत की शान है। लेकिन भारत के लोगों के खिलाफ अनेक लोगों के द्वारा ये चार्ज लगाया जाता है कि भारत के लोग जो हैं वो असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं, उनके पास उतना दिमाग नहीं कि चार्ज को एडॉप्ट, सॉरी कि वो किसी नयापन को, किसी चेंजेज को एडॉप्ट कर सके, इसलिए भारत ने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन गांधी जी इस चार्ज को नकारते हैं, और वो कहते हैं कि हमने अनुभवों के पटल पर इस बात को रख करके जांचा और परखा है, तो हम पाए हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी अच्छी है और इतनी मजबूत है कि हमें हिम्मत नहीं कि हम इसको चेंज करें।
और हमारे सभ्यता संस्कृति की जो सबसे अच्छी बात है कि हम अभी भी उसी पर अटिक है, ये उसकी सबसे सुंदरता है और यही उसकी सबसे मजबूत चीज़ और यही हमारी उम्मीद है। गांधी जी कहते हैं कि सभ्यता जो है आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य पथ पर चलना सिखलाती है, तथा जहाँ तक बात कर्तव्य के पालन का होता है या फिर नैतिकता के आचरण का होता है, तो ये दोनों चीज़ जो है बदलने वाले टर्म है, बदल जाते हैं। हम जब अपने मनों पर स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं, हम जब मनों पर एक अपने शौकों पर, पैशंस पर, अपने दिमागों पर, हम अपने शौक पर, संवेगों पर अगर हम स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप को जान सकते हैं। और जहाँ तक गुजरात के लोगों की बात आती है, उनसे अगर सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो उनका मानना होता है कि अच्छा आचरण ही सभ्यता कहलाता है। दूसरी तरफ गांधी जी कहते हैं कि अगर सभ्यता का ये डिफिनेशन गांधी जी जो कहते हैं गुजराती के द्वारा दिया गया है अगर सत्य है, तो भारत को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, भारत जहाँ है वही रहना चाहिए, इसकी सभ्यता संस्कृति अच्छी है। गांधी जी कहते हैं कि हम नोटिस करते हैं कि दिमाग जो है एक कभी नहीं थकने वाली एक चिड़िया है, और जितना इसको मिलता है उतना अधिक ये चाहता है, और उतना ही जितना हम अपने शौक को बढ़ाते हैं हम उतना ही इसमें उलझ जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारी संलिप्तता के लिए एक समय सीमा फिक्स कर दिया था, उन लोगों ने देखा था कि खुशी जो थी, एक हैप्पीनेस जो थी, एक मेंटल कंडीशन थी। एक मनुष्य इसलिए खुश नहीं हो सकता है क्योंकि धनी है, और एक मनुष्य इसलिए दुखी नहीं हो सकता है कि गरीब है। अक्सर देखा गया है कि गरीब जो है वो खुशी रहते हैं, धनी जो है दुखी पाए जाते हैं, लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरीज और प्लीजर्स की तरफ जाने से हमें मना किया था। हम आज भी उसी प्रकार के हलों का प्रयोग करते हैं जैसा हजारों साल पहले करते थे, आज भी हमारे पास वैसे झोपड़ियां हैं जैसा हजारों साल पहले हुआ करता था, और आज भी हम स्वदेशी शिक्षा का यूज करते हैं जैसा कि पहले था। हमारे पास वैसी कोई सिस्टम नहीं जो हमारे जीवन प्रणाली से कंपटीशन और हमारे जीवन को हानि पहुंचा सकता है। हम लोग सभी जो हैं अपने ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे, हमने फॉलो किया है, अपने व्यापारों को फॉलो किया है, और उसके लिए हमारा रेगुलर एक मेहनत आना मिलता रहा है। ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन खोजना, मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम लोगों ने इसके पीछे अपने मन को लगाया, अपने दिमाग को यूज किया, तो हमारी जो असली नैतिकता है, हमारा जो नैतिकता की प्रकृति है, हम उसको खो देंगे। अतः उन्होंने विचार करने के बाद ये निर्णय लिया कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने हाथों और पैर से काम करेंगे। उन लोगों ने देखा कि वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य जो था वो हाथ और पैर से काम करने में नहीं था। हमने उसी तरह की झोपड़ियाँ बनाए रखा, ठीक है, द फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज पे आगे चल करके उन्होंने बताया कि जो बड़े बाहर बड़े जो भी शहर हैं वो जाल है, वो फंदा है, और अननेसेसरी मतलब बिना किसी बात का, बिना किसी मतलब का बाधाएं उत्पन्न करने वाला है, जहां पर लोग खुशी नहीं हो सकते हैं। उनका मानना था कि शहरों का मतलब होता है गैंग्स ऑफ थीप्स, चोरों का गैंग, डाकुओं का गैंग, वैश्याएं जहां रहती है, और पाप बढ़ाने वाले लोग जहां पर रहते हैं, जहां पर गरीबों के द्वारा अमीरों के द्वारा लूटा जाएगा। और अतः हमारे जो पूर्वज थे छोटे छोटे गाँव में संतुष्ट थे। उन्होंने देखा कि राजाएं जो थी उनकी तलवारें जो थी वो ऋषि जो नैतिकता होती है नैतिकताओं के तलवार के नीचे छोटी पड़ जाती थी, और हमारे लोग जो थे वो ऋषि मुनि को राजा और बड़े बड़े सम्राट से ज़्यादा बेहतर समझते थे। एक ऐसा देश जिसके पास ऐसा रूल हो वो किसी से उसको सीखने की जरूरत नहीं, ऐसे देश तो दूसरे को सिखाने में सक्षम है। हमारे देश में कोर्ट्स थे, वकील भी थे, डॉक्टर भी थे, लेकिन वो लोग अपने लिमिट को जानते थे, और हर लोगों को पता था कि ये प्रोफेशन जो थे बहुत अच्छे नहीं थे। किसी भी तरह से वो वकील और वैद्य जो थे लोगों को लूटते नहीं थे, वे लोग लोगों के पर आश्रित माने जाते थे, अपने आप को लोगों का मालिक नहीं समझते थे। न्याय जो था वो उचित था, और समान रूल जो था वो कोर्ट को अवॉइड करना था, लोग कोर्ट में जाने से बचा करते थे, और उस जमाने में वैसे दलाल नहीं हुआ करते थे कि आपको वहाँ फंसाते थे। ये इविल सिर्फ देखा गया था वो बड़े बड़े शहरों में ही देखा जाता था, बड़े बड़े नगरों में देखा जाता था। समान लोग जो थे वो बिल्कुल निर्भीक होकर के अपने जीवन को बिताते थे, और अपने एग्रीकल्चर के पेशा को अपनाते थे, और अपने होम रूल को ही फॉलो कर करके जीवन से आनंदित होते थे। तो आज जो आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसमें टोटल 24 पैराग्राफ्स है, जिसमें से 8 पैराग्राफ मैंने आज डील किया। आप बार बार सुनिए, बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगले सेशन में फिर इंडियन सिविलाइजेशन के आगे पैराग्राफ को मैं ट्रांसलेट करूंगा। तो आज जी मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इसको देख करके समझते रहिए। बाय।